मैं हूं ज्योति आसवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूं स्मार्ट क्राफ्ट की तरफ से आने वाले इस सोलर सिस्टम प्लैनेटेरियम को, यानी कि अपने आठों ग्रह को हम लोग आज अनबॉक्स करने वाले हैं। और पता है खास बात क्या है कि इन आठ ग्रह को हम लोग को खुद से ड्रॉ करना है। इसे मैं अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये बेसिकली एक एजुकेशनल टॉय है जिसमें कि आप लोगों को इससे खुद ही बनाना होगा और खुद ही खेलना होगा और इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यार। तो मुझे तो ये बहुत कमाल का लग रहा है, चलो इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों प्लास्टिक कवर तो हम लोगों ने निकाल लिया है, बट चलिए अब इसके अंदर फाइनली वाला देखते हैं कि क्या मिला है। देख सकते हो आप, इसमें पूरा सोलर सिस्टम हमारा दिखाया गया है। और यहाँ पर पीछे यदि देखे तो पीछे में भी देखिए इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हम लोग को मिलेंगे, उसको शो किया गया है। बट चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं और रियल में ही देखते हैं कि क्या क्या मिला है। जो हमें मिला है वो है यूजर मैनुअल की किस तरह हमें इसे असेंबल करना है। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बुकलेट को बाद में पढ़ेंगे। पहले और भी सामान जो जो हमें प्लास्टिक के अंदर मिले हैं उसे देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें मिले हैं 9 स्फीयर बॉल्स। ये देख सकते हो आप, पीछे की तरफ से ये हॉलो है और इस साइड की तरफ से कर्वी है। एक्चुअली हम लोग को इसमें से इसको निकालना होगा और उसके बाद ये बन जाएगा टोटली बॉल के शेप का। ये बड़ा वाला बनेगा सन एंड बाकी बनेंगे प्लैनेट्स। और भी देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या क्या मिला था। तो ये देखिए, ये है सोलर सिस्टम का स्टैंड जिसके ऊपर हम लोग अपने सारे ग्रहों को इसके ऊपर उठाएंगे ऐसे ऐसे करके जिस तरह के सोलर सिस्टम में होता है। और जैसा कि इस बॉक्स में दिखाया गया इसी तरह का हम लोग को टोटली सजाना है। तो ये कुछ इस तरह से खड़ा होगा के ऊपर। और बाद बाकी यहाँ पर सिंपली दिया गया है टेम्पुरा कलर्स एंड ये रहा हमारा पेंट ब्रश। इसी के थ्रू हमें पेंट करना है अपने सारे प्लैनेट्स को। जल्दी जल्दी चलिए इसे सजाते हैं और पेंट करते हैं। गाइस इन्हें पेंट करने से पहले सबसे पहले तो हमें इन बॉल्स को निकालना होगा, तो फटाफट से पहले बॉल्स को निकालते हैं। लोगों ने इसको पूरा निकाल लिया है और ये देखिए हमारे सारे बॉल्स, इनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें देखिए इस तरह से पॉइंट आउट निकला हुआ है और इसके अंदर ये स्पेस दिया गया है। इसको हमने करना है इस तरह अटैच, तो ये बन जाएगा हमारा सन और एक बहुत ही प्यारा सा बॉल। और यदि आपको दिख पा रहे हो देखिए इन सब में टेक्सचर्स भी बने हुए हैं। ये देख सकते हो आप, इसमें कुछ इस तरह का टेक्सचर है। यदि इसमें देखे तो इसमें देखिए थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट छेद छेद टाइप का दिया हुआ है टेक्सचर। इसमें इस तरह लाइन्स बनाई गई है, यानी कि ये सैटर्न है, इससे पता चल जाएगा हमें। और ये हमारा अर्थ, ये देख सकते हो इसमें आपका टेक्सचर्स भी बना हुआ है जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं। उठा उठा हुआ सरफेस उसमें हमें ग्रीन कलर करना है, बाकी साइड में ब्लू करना है, इससे ये पता चल जाएगा। तो आपको कलर करने में भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सारा कुछ तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अब फटाफट से मैं इसको कनेक्ट कर लेती हूँ और बना देती हूँ इसे एक प्यारा प्यारा सा छोटा छोटा सा बॉल। तो गाइज ये देख सकते हो आप, हम लोगों ने अपनी सारी बॉल्स को कनेक्ट कर लिया है और ये काफी प्रिटी लग रहे हैं। अब चलिए इन लोग को करते हैं पेंट। गाइज हम लोगों ने इन चारों को तो पेंट कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर और भी पांच पेंट करने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग इसे लगा लेते हैं ताकि हम लोग को पेंट करने में और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे होल्स बना हुआ है जिसके अंदर ये चला जाएगा, तो मुझे ईजी होगा इसे पकड़ने में और इसे पेंट करने में। तो ये रहे इतने सारे स्टील के स्टिक्स जैसे कि हम लोग को डालना है इसके अंदर। तो गाइज हम लोगों ने इसको इसके ऊपर सजा लिया है, ये देखिए। और इन सब के ऊपर हम लोगों ने इस स्टिक्स को भी लगा दिया है ताकि इसके ऊपर हमारे जितने भी प्लैनेट्स है वो खड़े रह सके। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ गाइज जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यदि आपको दिख पा रहा होगा तो इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई है कि कौन कितने माइल्स दूर है। सबसे पहले है मरकरी, फिर है वेनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद मार्स, देन जुपिटर, एंड अगेन हियर इट इज Saturn
एंड यूरेनस नेपच्यून। गाइस मुझे इसकी सबसे अच्छी खासियत लगी और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें सारे कुछ दिया गया जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अगर आप लोग इसको साइंस एग्जीबिशन वगैरह में यूज कर रहे होंगे तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आप लोग को बताने में भी आसानी होगी कि कितना दूर है मरकरी सन से या फिर अर्थ या फिर एनीथिंग। गाइस हम लोगों ने अपने सन को डेकोरेट कर लिया था और ये देखिए यहाँ पर सन के पीछे यहाँ पर छोटा सा छेद दिया गया और यहाँ पर भी स्पेस है तो इसको फटाफट से डाल देना है इसके अंदर। हमारा सन तो लग चुका है, अब चलिए बाकी जितने भी हम लोगों ने थोड़े थोड़े जिसको भी सजाया था उसे लगा लेते हैं। जैसे कि ये हमारा यूरेनस, तो यूरेनस को यूरेनस की जगह पर लगाते हैं। यूरेनस का प्लेस है ये वाला, तो ये वाला। ये है जुपिटर, तो जुपिटर को लगाते हैं जुपिटर के प्लेस पर, जिसमें जैसे लिखा हुआ है उसी पे आप लोग लगाइएगा। जैसे कि यहाँ पर जुपिटर लिखा हुआ है तो जुपिटर के प्लेस पर जुपिटर को लगा देते हैं। तो टोटली हमारे तीन प्लैनेट्स और सन तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो चार बचे हुए हैं प्लैनेट्स, इनसे भी मैं जल्दी जल्दी कलर करके इसको डेकोरेट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने इसे फुल्ली डेकोरेट कर लिया और ये देख सकते हो अब काफी प्रिटी लग रहा है, बट अभी भी एक चीज की कमी है और वो कमी है सैटर्न में। तो इसमें क्या कमी है आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसमें रिंग्स नहीं है। रिंग्स ये देखिए यहाँ पर है, ये हम लोग को मिला था इसमें लगाने के लिए, तो हम लोग इसमें फटाफट से लगा देते हैं और ये हो गया हमारा सैटर्न कंप्लीट। ये रहा सन, उसके बगल में मरकरी, उसके बाद यहाँ पे वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो दोस्तों मैंने लगभग इस तरह के ही बनाने की से कोशिश की है, बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दीबाजी में इसे कलर किया है, बट जब आपके पास आएगा तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना और इसको बना करके इंस्टाग्राम पे पिक क्लिक करके जरूर से टैग करना। हम लोगों ने इसको अटैच तो कर दिया और ये देखिए सारे अच्छे से पूरे रोटेट भी होती हैं, बहुत ही अमेजिंग लगता है। लगता है कि हाँ वाकई हम लोग रियल सोलर सिस्टम को देख रहे हैं, मतलब रियल वाला तो खुद से घूमते रहता है, इसमें आपको इसे घुमाना पड़ेगा और घुमाकर दिखाना होगा। गाइस मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग तो दिखा दी, आपको पूरा कलर करके भी दिखा दिया कि कितना खूबसूरत सा हमारा सोलर सिस्टम बना है और आप लोग इसको अपने साइंस एग्जीबिशन वगैरह में भी यूज कर सकते हो। तो किस तरह यूज कर सकते हो यार, उसके लिए तो पहले आपको इसे बाय करना होगा और इसको बाय करना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका बाय लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको एक मिलेगा ब्लू ब्लू कलर का लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है और इसे बाय कर लेना है। और अगर आपको जानना है कि इसका प्राइस कितना है तो इसका प्राइस भी उसी लिंक पर क्लिक करके ही आपको पता चल जाएगा। तो जाओ वहां से चेक करो और इसे खरीद लो। और अगर आप इसे फ्री में जीतना चाहते हो तो फिर आपको करना होगा गिव अवे में पार्टिसिपेट, क्योंकि इस वीडियो में हो रहा है इस सोलर प्लैनेटेरियम का गिव अवे। दोस्तों इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का तरीका भी बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपली आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको एक गिव अवे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें अपनी एंट्रीज को कंप्लीट कीजिए। बस हो गया आपका काम, आपको इतना ही करना था। और एक वीक के बाद यानी कि इस वीडियो के पब्लिश होने के एक वीक के बाद मैं इस सोलर सिस्टम के गिव अवे का अनाउंसमेंट करूंगी किसने जीता है इस सोलर सिस्टम को। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए कि क्या आप इस सोलर सिस्टम को जीतने के लिए या फिर इसे खरीदने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। तो बस मिलते हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।